सो दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, स्टेरॉइड्स की मदद से बॉडी बनाई जाती है, स्टेरॉइड्स से वेट गेन किया जाता है, कम समय में ज़्यादा अच्छी फिजिक बनाई जा सकती है। एंड आई एम श्योर कि इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी आपको पता होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता है कि स्टेरॉइड एक्चुअली होता क्या है। सो लेट्स एक्सप्लोर द बेसिक्स ऑफ स्टेरॉइड। सो गाइज, वॉट इज स्टेरॉइड्स? लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक होता है स्टेरॉइड्स, जिसको कॉर्टिको स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है, और एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। और ये दोनों चीज़ें अलग हैं एक दूसरे से। अब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक जो स्टेरॉइड होता है मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये एक हार्मोन होता है जिसको हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है और इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। तो पर्पस क्या है इसका? तो ये हार्मोन एक्चुअल में बॉडी के अंदर में जो इन्फ्लेमेशन होता है उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है उन पेशेंट्स को जिनको एस्थमा, एलर्जी या फिर एक्जिमा जैसी बीमारियां होती हैं। तो इस स्टेरॉइड का बॉडी बिल्डिंग, एथलीट परफॉर्मेंस, वेट गेन, मास गेन से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के स्टेरॉइड की, तो एक्चुअल में हम बात कर रहे होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड की। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, जिसको सिर्फ आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ये आर्टिफिशियल हार्मोन एक तरह से हमारी बॉडी में बनने वाले टेस्टोस्टेरोन की हूबहू नकल करता है। जो भी फंक्शंस टेस्टोस्टेरोन करता है, सेम टू सेम वही सब चीजें एनाबॉलिक स्टेरॉइड परफॉर्म करता है बहुत बड़े लेवल पे। मतलब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक दिन में 7 मिलीग्राम प्रोड्यूस होता है, तो स्टेरॉइड इस क्वांटिटी को 20 मिलीग्राम से लेकर 150 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे मसल ब्रेक नहीं होता और बहुत ज्यादा रैपिडली बॉडी बनती है। लेकिन इसके नुकसान भी काफी हाई लेवल के होते हैं। मतलब एक इम्प्रॉपर स्टेरॉइड का यूज एक नॉर्मल इंसान की लाइफ स्पैन बहुत कम कर देता है। मतलब अचानक से हार्ट अटैक, फिर किडनी फेलियर और लीवर में भी लम्स हो जाते हैं। तो यही कारण होता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स काफी भयंकर हो सकते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, ओरल पिल्स के फॉर्म में भी आ सकता है, टॉपिकल जेल्स के फॉर्म में भी होता है, और भी कई सारे प्रकार होते हैं। एंड गाइस, एक और चीज, स्टेरॉइड के डोसेज एक ऑथोराइज सुपरविजन के अंदर में ही दिए जाने चाहिए, क्योंकि विदाउट वैलिड या फिर विदाउट ऑथोराइज प्रिस्क्रिप्शन स्टेरॉइड का यूज इलीगल कंसिडर किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली इसके हेल्थ रिस्क इतने ज्यादा है, तो स्टेरॉइड बिना किसी गाइडेंस और सुपरविजन के आपके बॉडी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो गाइज, आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं स्टेरॉइड्स, क्या करते हैं आपके बॉडी में, वगैरह वगैरह। सो गाइज, थोड़ी भी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।